जम्मू काश्मीर पुलवामा जिला एनकाउंटर जरिगिंदी दाचिगाम फारेस्ट एरिया नागभैरन मर्सर मध्य जरिगिन एनकाउंटर लो इधर जैशे मोहम्मद उग्रवादुलनु भद्रता बलगालु काल्चि चंपाई मृतुल्लो ओकरिनि मोहम्मद इस्माल अल्वी अलियास लंबू अलियास अद्नान गा गुर्तिंचारु इतनु जैशे मोहम्मद चीफ मसूद अजर कुटुंब सभ्युडनि पोलीसुलु तेलिपारु मरो उग्रवादी पुलवामाकु चेंदिन समीर धारनि पोलीसुलु चेप्पारु पुलवामा दाडिकि कुट्र चेसिन वारिलो निंदितुलुगा उन्न 19 मंदिलो इप्पटिवरकु 7 गुरिनि चंपेशामनि मरो 7 गुरिनि अरेस्ट चेशामनि मरो 5 गुरु परारीलो उन्नारनि पोलीसुलु तेलिपारु The importance of neutralizing killing of Saifullah alias Lambu is twofold. Firstly, it brings closure to Pulwama incident which happened in Feb 2019 because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil, who eventually blew himself up in an IED attack. Ever since, he had been responsible to continue to train people in making of IED and deployment of IEDs against the security forces. He has been also responsible to recruit young locals by brainwashing them, carrying out identification, thereafter radicalizing them and giving them weapons. Lambu jo hai jisko Atman bhi bolte hain, Saifullah bolte hain, kya kafi samay se active raha hai, bahut sare incident mein involved raha hai. जनवरी 2017 में यह सतरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा. बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है. अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है और सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था. ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है. पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं. सैफुल्ला अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है. इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एस्कॉर्ट किया हुआ है जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करें.